दोस्तों, आपका गोपाल जी का नमन। अगर धन समस्याओं से पीड़ित हैं, विशेष रूप से कर्ज के बोझ से त्रस्त हैं, तो इसके बहुत सारे उपाय हैं। टोने हैं, टोटके हैं, पूजा हैं, पाठ हैं, अनुष्ठान हैं, तांत्रिक क्रम हैं, उपक्रम हैं। अगर शिव सागर में जाते हैं, ये शिवागम सागर में जाते हैं, तो इसमें बटुक भैरव जी की साधनाओं के बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं। बटुक भैरव जी की साधनाओं में स्टेजेस हैं, क्रम हैं, और इनकी विशेष पूजा जो होती है वो सैटरडे के दिन होती है, शनिवार के दिन। तो क्या करना है, कुछ अगर मान लीजिए नहीं करते हैं तो नियम बना लें कि प्रत्येक शनिवार को सिंदूर में तेल मिश्रण कीजिए, मिश्रित कीजिए, उसका एक लेप सा बन जाएगा, वो लेप भैरव जी की मूर्ति को अर्पित कीजिए। ये ऋण से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा। मगर अगर मान लीजिए बहुत कष्ट प्रत स्थिति बनती है, बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक समस्या आ गई है, तब फिर शनिवार को एक छोटा सा उपक्रम करके देखिए। ये वाला जितनी आपकी लेंथ है, यानी कि जो संबंधित व्यक्ति है, ऋण के भार से जो दबा हुआ है, तनाव मुक्त है, परेशान है, त्रस्त है, सैटरडे के दिन 21 कच्चे सूत ले और वो सूत अपने लंबाई के बराबर काट ले, यानी कि जितनी उसकी लेंथ है वो उतनी लेंथ अप्रॉक्सीमेट, कम नहीं हो ज़्यादा हो एक आध इंच, और इन सूतों को 21 times मोड़ें, फोल्ड करें। तो फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, एक बत्ती सरीखी बन जाएगी। इस इन जो बत्तियाँ बनी 21 मिट्टी के दीपक ले लीजिए और उनमें सरसों का तेल भरिए। सरसों के तेल में इन बत्तियों को दीपक की तरह जला दीजिए, ये जलने लगेंगे। और ये ध्यान रखिए कि तेल उसमें इतना भरना है जितनी देर आपकी पूजा चलती है, 2 minutes, 5 minutes, 7 minutes, जितना हो उस बीच ये 21 के 21 दिए शांत नहीं होने चाहिए। इन दीपकों को भैरव जी की मूर्ति के राइट साइड में रख दीजिए, यानी कि भैरव जी के दाईं साइड में, आपका लेफ्ट हो गया ना, तो ये रख दीजिए, इनको जला दीजिए, जलती रहेंगी। और अपने मन में अपने धन संबंधी कामना के लिए, अपने इष्ट पूर्ति के लिए, अपने ऋण से मुक्ति के लिए बारंबार प्रार्थना करके करके देव के सामने रो के गड़गड़ा के, ये 8 नाम हैं, इनको 21 बार, यानी कि एक नाम 21 बार जाप करें। चाहें तो 8 नाम जप लें, इनको 8 बार रिपीट करें, या एक नाम 8 बार जप लें और 8 नाम 8 बार जप लें, जो भी सुविधा हो, जो भी तरीका आप अपनाएं। ये नाम मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, करेंगे तो याद हो जाएंगे आपको, इनको लिख लीजिए, लिख के ले जाइए, जैसे सुविधा हो, जो भी आपका तरीका हो। ये नाम है चंड, प्रचंड, ऊर्ध्वकेश, भीषण, अभीषण, व्योमकेश, व्योमबाहु, व्योम व्यापक। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, चंड, प्रचंड, ऊर्ध्वकेश, भीषण, अभीषण, व्योमकेश, व्योमबाहु, व्योम व्यापक। 21 बार जब नाम जप लें ये वाले, 21 बार, तो एक माला बटुक भैरव जी की, एक माला मीन्स 108 बार, ये जाप मंत्र मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ इन शब्दों को ध्यान कीजिए, क्योंकि मैं अलग से जो ऑडियो देता हूँ उसमें आप देखते होंगे कि मंत्रों में इसका अर्थ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका उच्चारण इम्पॉर्टेंट है, ताकि षट चक्रों में चोट करे ये और उनमें विस्फोट हो। अब मैं धीरे धीरे बोलूँ, आप नोट कर लीजिए, ओम रीं बटुकाय आप दुधारण गुरुगुरु बटुकाय रीं ओम स्वाहा। और ये जब स्वाहा बोलें 108 बार, तो हर बार तेल मिश्रित जो सिंदूर आपने लिया है, एक बूंद देव के चरणों में अर्पित कर दें। जब आपके पूजा समाप्त हो जाए, दीपक आपको निरंतर जलता रहे, अगर मान लीजिए इतना करने के बाद भी दीपक जल रहे हैं तो तब तक उठिए नहीं, और सतत निरंतर बटुक जी का एक मंत्र ये निरंतर जपते रहें, ओम श्री बटुक भैरवाय नमः।
ये सतत मन जब तक रहे, जब तक दीपक शांत नहीं हो जाते। और जब आपके दीपक शांत हो जाएं, तो इन दीपकों को कहीं बहते जल में, अगर सुविधा नहीं हो तो किसी तालाब में, किसी पानी में विसर्जित कर दें, छोड़ दें जल में। और जल में छोड़ने के साथ ही उसमें थोड़ी सी स्प्रिट हो या शराब, शराब वाली जो देसी शराब होती है, वो भी जल में छोड़ दें और अपने हाथ जोड़ के घर चले आए। अगर मान लीजिए ये आपको लगता है कि मुझे कहीं इसमें सफलता नहीं मिल रही या कहीं न्यूनता आ रही है आपके कार्य में, तो इसको एक बार नेक्स्ट सैटरडे फिर इसको रिपीट कर दीजिए। और रिपीट करने के बाद में इस बार जब जल में दीपक विसर्जित करें किस, तो स्प्रिट छोड़ेंगे। स्प्रिट छोड़ने से पहले एक तिल और गुड़ का बखरा बनाइए, जैसा भी बनता है, उल्टा सीधा, जैसी भी शेप आती है उसकी, और दूब घास से उसका सर काट दीजिए, यानी कि बलि स्वरूप हो गया। इसको जल में विसर्जित कर दीजिए, उसके ऊपर से स्प्रिट जितनी भी छोड़ सकते हैं, एक ढक्कन, दो ढक्कन, आधी बोतल, और दीपक सारे विसर्जित कर दीजिए और अपने घर चले आइए। बोतल, खाली बोतल नहीं डालनी जल में, ये ध्यान रखिए, नंबर एक। और नंबर दो, भैरव जी की साधनाएं, पूजा अर्चना जो भी कुछ कर रहे हैं, काले आसन पे अगर करेंगे तो आपको और अच्छा अनुभव होगा। ये छोटा सा उपक्रम, छोटा सा प्रयोग भैरव जी का आप करके देखिए। देखिए प्रभु, पता नहीं भगवान की तो कहाँ, किस पे कृपा हो जाए, कैसे कृपा हो जाए, किस चमत्कारिक रूप से कृपा हो जाए, कितनी कृपा हो जाए, ये सब निर्भर करता है अपने प्रारब्ध के ऊपर। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर मेरे ऑडियो कहीं भी आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब में इनको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।